तो गाइस आज है मेरे पास एक ऐसा फोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने मिल जाता है अंडर 23,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है रियलमी GT Neo 3T। एंड दोस्तों इसे मैंने अभी परचेस किया एंड आज की वीडियो में करूंगा इसका एक क्विक रिव्यू, साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो एंड में एक लाइक कर देना। तो बढ़ते इस वीडियो में आगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो डिजाइन पे आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा बॉक्स कंटेंट्स पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको सभी चीजें देखने मिलती है। यहाँ पे बड़ी सी रियलमी की बॉक्स दी गई है जिसके अंदर आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जर देखने मिल जाती है, टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल दी गई है। आगे बढ़ने पर यहाँ पे हमें काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं, क्लियर केस दिया गया है, साथ साथ सिम इजेक्टर टूल भी देखने को आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं की गई है। सीधा आते हैं डिजाइन पे दोस्तों। तो यहाँ पे फुल प्लास्टिक बिल्ट बॉडी आपको इस फोन में देखने मिल जाता है, जहां पे आपको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक एंड यहाँ पे आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पे कलर्स की बात करें तो 3 कलर्स आपको देखने मिलते हैं एंड पर्सनली मेरे पास यहाँ पे डैश येलो कलर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अगर इसके बैक पैनल पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे चेक्स वाली डिजाइन इन्होंने प्रोवाइड की है, जिसे रियलमी ने रेसिंग डिजाइन का नाम दिया है। एंड मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये डिजाइन काफी अच्छा लगा एंड अट्रैक्टिव फील हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इन हैंड फील की, तो इसका वेट 195 ग्राम्स के अराउंड है। एंड यहाँ पे मैं कह दूं कि ये फोन थोड़ा सा चौड़ा निकल के आता है, तो आपको डबल हैंडेड यूज करना पड़ेगा, खासकर अगर आपके छोटे हाथ है तो। वैसे दोस्तों ग्रिप अच्छी बनती है, स्लिपरी बिल्कुल भी फील नहीं होता है ये, तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। एडिशनली मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैक पैनल है वो फुल मैट फिनिश में आता है, तो उसके कारण यहाँ पे फिंगरप्रिंट के स्मजेस बिल्कुल भी नहीं लगते, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाती है इसके डिजाइन की। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है एंड यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल में बिल्कुल भी आपको बंप देखने नहीं मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये फिर भी वॉबल करता है जब आप इसे फ्लैट सर्फिस पे रखते हो। एंड ये थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्टिंग फील हुआ है एंड ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है इसके डिजाइन का। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में सभी पोर्ट्स एंड बटन्स देखने मिलते हैं सिवाय 3.5mm जैक के। एडिशनली आपको यहाँ पे डुअल नैनो सिम ट्रे का स्लॉट दिया गया है एंड गैस्केट की भी प्रोटेक्शन है, तो हल्के फल्के स्प्लैश से रेसिस्ट कर देगा। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो मुझे इसका डिजाइन पसंद आया। वैसे आपको इसका डिजाइन कैसा लगा कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आपको 6.62 इंच की E4 AMOLED फुल HD प्लस स्क्रीन देखने मिलती है विथ फास्ट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है एंड 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। एडिशनली HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे आपको सर्टिफाइड मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आपको सुपर शार्प देखने मिलती है, बहुत अच्छे कलर शो करता है, यहाँ पे कोई भी इशूज नहीं आती। अब आगे बढ़ते हैं 120 हर्ट्ज पे, तो 120 हर्ट्ज भी इसका स्मूथ फंक्शन करता है एंड सभी एप्स में यहाँ पे 120 हर्ट्ज सपोर्टेड है एंड मुझे कोई मेजर जिटरिंग भी इसके UI में एनिमेशंस में देखने नहीं मिली है। 1300 nits की ब्राइटनेस की बात करें तो दोस्तों वो भी काफी अच्छे से फंक्शन करता है एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में भी यहां पे इसके डिस्प्ले आराम से विजिबल हो गई थी, तो 1300 nits की जो ब्राइटनेस दी गई है इस फोन में उसे मैं सफिशिएंट कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो मेजर माइनस पॉइंट मुझे फील हुए हैं एंड ये दो पॉइंट ये हैं दोस्तों कि सबसे पहला पॉइंट जो हो जाता है, यहाँ पे वाइडवाइन L1 के सर्टिफिकेशन होने के बाद भी, HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन होने के बाद भी यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR अभी रोल आउट नहीं किया गया है, हो सकता है ये अपडेट के साथ फिक्स कर दी जाए। दूसरी चीज दोस्तों मुझे इस फोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, यहाँ पे चिन बहुत ही मोटा देखने को मिलता है एंड यहाँ पे बेजल्स भी उतने पतले नहीं है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी इस फोन के साथ। वैसे दोस्तों हैप्टिक्स से मैं यहाँ पे इंप्रेस्ड हूँ, यहाँ पे हैप्टिक्स सॉलिड लीनियर मोटर वाले दिए गए हैं, इंप्लीमेंटेशन इसकी हर जगह की गई है एंड यहाँ पे मैं इसे सॉलिड फ्लैगशिप वाले हैप्टिक्स से इसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में मुझे यहाँ पे कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, बस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा इंप्रूव हो जाता तो थोड़ा और बेटर इसका कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग हो सकता था। तो अब आ जाते हैं साउंड क्वालिटी पे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, साथ साथ डॉल्बी एटमोस का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड बहुत ही लाउड है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, लेकिन बेस जो है वो थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है इस फोन के साथ। हालांकि यहाँ पे साउंड की क्वालिटी में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं लगी है एंड यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी निकल के आती है। मैं एक ऑडियो सैंपल प्ले करता हूँ, उससे आपको इसकी साउंड क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। चलिए
तो कुछ इस तरीके की थी इसकी साउंड क्वालिटी। एंड दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ साउंड की जो वॉल्यूम है वो 80:20 के रेशियो से आती है, 80% नीचे वाले स्पीकर से एंड 20% ऊपर वाले ईयरपीस से आती है, तो इस बात का भी आपको एडिशनली ध्यान रखना होगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने मिलता है, साथ साथ LPDDR4X रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज एंड 5GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी आपको इस फोन के साथ देखने मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हीटिंग की, तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम आपको देखने मिल जाता है इस फोन में, उसके कारण यहाँ पे हीट को ये काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड मैंने जितनी भी टेस्टिंग की है यहाँ पे ओवर हीटिंग की कोई इशू नहीं फेस हुई है, प्लस यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ट है तो उसके कारण भी यहाँ पे हीट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। स्कोर्स की बात करें तो स्कोर आपके सामने है, आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव स्कोर्स निकल के आते हैं, एंड यहाँ पे स्कोर्स के मामले में मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। अब बात करते हैं गेमिंग की दोस्तों, तो यहाँ पे गेमिंग से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस फोन से। यहाँ पे आपको BGMI में HDR Extreme का तो ग्राफिक सेटिंग मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं गेमिंग करते वक्त यहाँ पे मुझे मेजर फ्रेम ड्रॉप्स एंड जिटरिंग देखने मिल रही थी, एंड दोस्तों ये चीज मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब भी कर रहा था। तो हो सकता है यहाँ पे एक स्टेबल अपडेट के थ्रू इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस को फिक्स कर दी जाए एंड गेमिंग यहाँ पे बेटर हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको ये फोन गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे Realme UI 3 देखने मिलता है, Android 12 बेस्ड है, एंड दोस्तों यहाँ पे UI का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा दिए गए हैं, एंड जब फोन को आप सेटअप करते हो तो उसे अनइंस्टॉल करने में आधा टाइम निकल जाता है, तो यहाँ पे UI एक्सपीरियंस थोड़ा और क्लीन हो सकता था। वैसे UI की जो एनिमेशन है वो बहुत स्मूथ फंक्शन करती है, 120 हर्ट्ज अच्छे से फंक्शन करता है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आती। बैटरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, एंड यहाँ पे 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी करता है ये फोन, एंड दोस्तों यहाँ पे ये सुपर फास्ट 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। एंड दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो इसकी बैटरी बैकअप भी मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पे आप 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप देख सकते हो इस फोन में जब आप यहाँ पे नॉर्मल टास्क करते हो। एडिशनली मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी होने के हिसाब से ये फोन काफी पतला है, उसके हिसाब से उतना मोटा नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसके बैटरी एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है, फास्ट है, लेकिन वही है ओप्पो और रियलमी के फोन्स में जो इशू आती है कि यहाँ पे जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ यूज करते हो तो डिलेज रहती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी परसिस्ट कर रही है, हालांकि नॉर्मल स्क्रीन के साथ जब आप अनलॉक करते हो तो क्विक अनलॉक हो जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन कह सकता हूँ, लेकिन ये GT सीरीज है दोस्तों, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये गेमिंग सेंट्रिक मैं इसे नहीं कह सकता, एंड गेमिंग उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास की, तो यहाँ पे पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो लेंस दिया गया है, एंड यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी लगाई गई है। कैमरा UI की बात करें तो कैमरा UI आपको टिपिकल Realme का देखने मिलता है, इसमें इस बार कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। अब कैमरा सैंपल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल काफी अच्छा वर्क करता है, यहाँ पे लाइट कंट्रोल अच्छा है, साथ साथ डायनेमिक रेंज भी अच्छी देखने मिल जाती है, स्किन टोन को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे आप डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हो जाते हो तो यहाँ पे इस फोटो से देख सकते हो मेरे शर्ट के कलर को ओवर एक्सपोज कर दिया है, इन नेचुरल बना दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है 64 मेगापिक्सल के कैमरे में। अब बात करते हैं दोस्तों अल्ट्रा वाइड लेंस में, तो यहाँ पे नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड लेंस में आपको ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिलेगा, एंड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस मुझे उतना पसंद नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरे शर्ट के कलर को ओवर एक्सपोज कर दिया है एंड कलर को इननेचुरल बना दिया है। साथ साथ दोस्तों नॉर्मल लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कलर शिफ्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो अल्ट्रा वाइड लेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के फोटोज काफी अच्छे निकल के आते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा एंड सेटल सा रहता है, साथ साथ यहाँ पे एज डिटेक्शन की भी कोई इशू देखने नहीं मिलती है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को भी मैं अच्छा कह सकता हूँ, एंड यहाँ पे डिसेंट फोटोज निकाल के दे देता है। नाइट मोड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नाइट मोड भी मुझे काफी अच्छा लगा है, फोटोज अच्छी निकाल के देता है, फ्लेयर्स को भी आप देख सकते हो इस फोटो में काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे OIS नहीं दिया है इस फोन में, तो उसके कारण जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज लेते हो तो यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल ही गायब हो जाती है। एडिशनली दोस्तों मैं बता दूं कि 64 मेगापिक्सल का जो लेंस है उसमें यहाँ पे आपको कलर्स को ये थोड़ा सा बूस्ट करता है जितनी मैंने टेस्टिंग की है, ये पॉइंट मैंने भूल गया था तो लगा आप लोगों को बता दूं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरे की, तो
सेल्फी कैमरे से मैं बिल्कुल ही इंप्रेस्ड हूँ। एडिशनली मैं बता दूं कि यहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओ या नॉर्मल मोड, यहाँ पे सेल्फीज काफी अच्छी निकल के आती है एंड डायनेमिक रेंज को भी बहुत तगड़े तरीके से मेंटेन करता है। इन फोटो से आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरे से 4K 60fps में मैक्स रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरे में लो रिजोल्यूशन 1080p 30fps का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स में आपको शो करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चलिए, तो ये वीडियो शूट हो रही है 1080p 30fps में एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन का यूज़ हो रहा है। एंड जब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन का यूज़ करते हो तो थोड़ा सा क्रॉप्ड इन इमेज दिखाता है। एंड यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन पीछे की तरफ डायनेमिक रेंज को ब्लोन आउट कर दिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एंड माइक्रोफोन भी इसका यूज़ हो रहा है। एंड कैसी आ रही है इसकी वीडियो क्वालिटी? फेशियल एक्सपोजर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक रेंज को बिल्कुल ही ब्लोन आउट कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज को मैनेज करने के चक्कर में यहाँ पे स्किन टोन को बिल्कुल ही अंडर एक्सपोज कर दिया है। और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को भी कंटिन्यूअसली ये शिफ्ट कर रहा है एंड चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो ओवरऑल कैमराज के मामले में मुझे इसके कैमराज अच्छे लगे हैं। 64 मेगापिक्सल का जो लेंस है वो अच्छे से फंक्शन करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा डाउनसाइड लेके आता है इसके कैमराज में। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने मिलता है। 12 5G के बैंड्स हैं, विच इज आई थिंक सफिशियंट आज के रेट के लिए। उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 5G अच्छे से चल जाएगा जितने भी बैंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 5G इंडिया में आ ही चुका है, तो ये काफी अच्छी चीज हो गई है। साथ साथ दोस्तों 4G प्लस का इंडोर आउटडोर में अच्छा खासा कैरियर एग्रीगेशन भी देखने मिल जाता है, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं आती है। अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी में भी यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं की गई है एंड कॉल क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। तो ओवरऑल वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में यहां पे कोई भी इश्यूज नहीं है। NFC और ऐड हो जाता तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। कंक्लूजन टाइम दोस्तों, एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है इस फोन के साथ, यहां पे कोई भी इश्यूज नहीं आई है। लेकिन दोस्तों यहां पे पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कि यहां पे इसमें अभी कैमराज एंड गेमिंग में परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड अगर आपको अभी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए जो अच्छी गेमिंग कराए, साथ साथ कैमराज भी अच्छा चाहिए, तो फिलहाल मैं कहूंगा कि इस फोन के लिए अभी मत जाओ, आप वेट करो एंड आइकोनियो 6 की तरफ जा सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन Realme GT Neo 2 की तरफ भी जा सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर डील प्रोवाइड करता है। वैसे इस फोन को अभी आप टाइम दो, थोड़ा सा अपडेट होगा, हो सकता है बेटर हो जाए, मैं आपको आगे की वीडियो में जरूर कंफर्म करूंगा। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय।